नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गर्भस्थ शिशु के विकास हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी और सी डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो गर्भस्थ शिशु के विकास हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्तनपान का प्रभाव पड़ता है ए ऑप्शन है आमाशय पर, बी ऑप्शन है श्वसन तंत्र पर, सी ऑप्शन है हृदय पर और डी ऑप्शन है गर्भाशय पर। तो स्तनपान का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है? गर्भाशय पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, गर्भावस्था में रक्त की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 30% और डी ऑप्शन है 20%। तो गर्भावस्था में रक्त की मात्रा पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ जाती है? 30% बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भ्रूणावस्था का समय कब से कब तक होता है? ए ऑप्शन है 15 दिन के बाद से 2 माह तक, बी ऑप्शन है 10 दिन के बाद से 2 माह तक और सी ऑप्शन है 20 दिन के बाद से 2 माह तक, डी ऑप्शन है 25 दिन के बाद से 2 माह तक। तो भ्रूणावस्था का जो समय है वो कब से कब तक होता है? 15 दिन के बाद से 2 माह तक का भ्रूणावस्था का समय होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बालिका गर्भावस्था के समय स्वस्थ रहे अतः उसे किशोरावस्था से ही पौष्टिक तत्व एवं पूर्ण संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, यह कथन क्या है? ए ऑप्शन है सत्य है, बी ऑप्शन है असत्य है, सी ऑप्शन है कुछ नहीं कह सकते और डी ऑप्शन है सभी है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, बालिका गर्भावस्था के समय स्वस्थ रहे अतः उसे किशोरावस्था से ही पौष्टिक तत्व एवं पूर्ण संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, यह कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, स्वस्थ माँ बनने तथा स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए किस अवस्था से ही बालिका के भोजन पर ध्यान देना चाहिए? ए ऑप्शन है शेषावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है भ्रूणावस्था। तो स्वस्थ माँ बनने तथा स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए बालिका के भोजन पर ध्यान देना चाहिए किशोरावस्था से ही। क्वेश्चन नंबर सेवन का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट है, एक शिशु जन्म लेता है उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है? ए ऑप्शन है 200 ग्राम, बी ऑप्शन है 300 ग्राम, सी ऑप्शन है 400 ग्राम और डी ऑप्शन है 500 ग्राम। तो जब शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितने प्रोटीन होती है? 500 ग्राम प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर एट का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है अस्वच्छता, बी ऑप्शन है कुपोषण, सी ऑप्शन है अज्ञानता और डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? कुपोषण है। क्वेश्चन नंबर नाइन का बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भावस्था में गर्भवती महिला का कितना वजन बढ़ जाता है? ए ऑप्शन है 18 से 20 पाउंड, बी ऑप्शन है 20 से 20 पाउंड, सी ऑप्शन है 22 से 24 पाउंड और डी ऑप्शन है 24 से 48 पाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है, गर्भावस्था में गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 24 से 48 पाउंड बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भावस्था स्तनपान से शिशु की आंतों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु की वृद्धि होती है जो निर्माण करते हैं विटामिन डैश। ए ऑप्शन है विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। ठीक है, ये ऑप्शन डी है। तो स्तनपान से शिशु के आंतों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु की वृद्धि होती है जो निर्माण करते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, माँ का दूध कैसा होता है? ए ऑप्शन है सुपाच्य, बी ऑप्शन है गरिष्ठ, सी ऑप्शन है कीटाणुदार और डी ऑप्शन है हानिकारक। तो माँ का दूध कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर होता है, माँ का दूध जो होता है वो सुपाच्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभ के 2-3 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा दूध को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल और डी ऑप्शन है कोटिसन। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको कोलोस्ट्रम करते हैं। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल लिख गया, कोलेस्ट्रॉम। प्रारंभ के 2-3 दिन में माँ के स्तन से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तनपान करवाते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? ए ऑप्शन है स्तनपान के पहले स्तन धोकर साफ करना चाहिए, बी ऑप्शन है 5-5 मिनट दोनों स्तनों से दूध पिलाना चाहिए और सी ऑप्शन है दोनों स्तनों से दूध नहीं पिलाना चाहिए, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है, स्तनपान करवाते समय इन बातों पर सावधानी रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भोज्य पदार्थों के मौलिक रूप तथा गुणों में अंतर क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है सुपाच्य, बी ऑप्शन है पौष्टिक, सी ऑप्शन है मिलावट और डी ऑप्शन है स्वस्थ। तो भोज्य पदार्थों के मौलिक रूप तथा गुणों में अंतर क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनाज तथा दाल में किन पदार्थों को मिलावट कर बढ़ाया जा सकता है? ए ऑप्शन है धूल, सफ़ेद बालू, रवा, बी ऑप्शन है मिट्टी, कंकर, रेत, सी ऑप्शन है पपीते के बीज और डी ऑप्शन है स्टार्च। तो अनाज तथा दाल में किन पदार्थों को मिलाकर बढ़ाया जा उनका जो वजन है उसको बढ़ाया जा सकता है? मिट्टी, कंकड़ और रेत को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, घोड़े के लीद तथा स्टार्च किस भोज्य पदार्थ में मिलाया जाता है? ए ऑप्शन है कॉफ़ी पाउडर, बी ऑप्शन है चाय पत्ती, सी ऑप्शन है पीसी धनिया और डी ऑप्शन है पीसी हल्दी। तो घोड़े की जो लीद होती है उसे तथा स्टार्च किस भोज्य पदार्थ में मिलाया जाता है? पीसी धनिया में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिलावट से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा किन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है प्रमाणित चिन्ह, बी ऑप्शन है प्रकाशित चिन्ह, सी ऑप्शन है अप्रकाशित चिन्ह और डी ऑप्शन है मुद्रित चिन्ह। तो मिलावट से बचने के लिए सरकार द्वारा जो चिन्ह बनाए गए हैं वो कौन से हैं? प्रमाणित चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमाशय
आंत्रपत में उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के अल्सर देखे जाते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो आमाशय आंत्रपत में उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के अल्सर देखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर है, 2 प्रकार के अल्सर देखे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सन में म्यूलनग्रान्स डाइट उपचार हेतु निरूपित किया गया? ए ऑप्शन है 1933, बी ऑप्शन है 1935, सी ऑप्शन है 1938 और डी ऑप्शन है 1940। तो म्यूलनग्रान्स डाइट जो है वो कब निरूपित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन डैश युक्त फलों और सब्जियों के प्रयोग से भी कब्ज दूर हो जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो विटामिन और डैश, कौन सा विटामिन? विटामिन सी युक्त फलों एवं सब्जियों के प्रयोग से कब्ज दूर हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर है। ठीक है, विटामिन सी युक्त फलों व सब्जियों के प्रयोग से भी कब्ज दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा अतिसार दूध छुड़ाते वक्त होता है? ए ऑप्शन है कुपोषण जन्य अतिसार, बी ऑप्शन है बिनिलिंग डायरिया, सी ऑप्शन है भय से उत्पन्न डायरिया और डी ऑप्शन है फेरी डायरिया। तो कौन सा अतिसार ऐसा होता है जो बच्चे के दूध छुड़ाते वक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है, बिनिलिंग डायरिया जो होता है ये दूध छुड़ाते वक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रसारण दाब, बी ऑप्शन है प्रकुचन दाब, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर है। ठीक है, जब हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकुचन दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त दाब में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो क्या होता है? ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन है मध्य रक्तचाप, सी ऑप्शन है निम्न रक्तचाप और डी ऑप्शन है सामान्य रक्तचाप। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर है, जब रक्त दाब में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो ये क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्तदाब रोग का लक्षण किससे संबंधित माना जाता है? ए ऑप्शन है हड्डियों से, बी ऑप्शन है आंतों से, सी ऑप्शन है हृदय से और डी ऑप्शन है फेफड़ों से। तो रक्तदाब रोग के लक्षण किससे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हृदय से। क्वेश्चन नंबर 25 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने फारेनहाइट होता है? ए ऑप्शन है 90.5 डिग्री फारेनहाइट, बी ऑप्शन है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, सी ऑप्शन है 100 डिग्री फारेनहाइट और डी ऑप्शन है 100.5 डिग्री फारेनहाइट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तीव्र एवं कम समय वाले बुखार कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है फ्लू वायरल, बी ऑप्शन है टाइफाइड क्षय रोग, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीव्र एवं कम समय वाले बुखार कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर है, फ्लू वायरल टाइफाइड और क्षय रोग जो होते हैं ये तीव्र एवं कम समय वाले बुखार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बुखार वयस्क रोगी के लिए पोषण में प्रतिदिन कैलोरी कितनी मात्रा होनी चाहिए?
ए ऑप्शन है 2700 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 2900 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 3000 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 3200 किलो कैलोरी। तो बुखार के वयस्क रोगी के लिए जो पोषण की मांग होती है वो कितनी होती है, 2700 किलो कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्षय रोग से अधिक कौन से अंग प्रभावित होते हैं। ए ऑप्शन है हड्डियाँ, बी ऑप्शन है आंत, सी ऑप्शन है फेफड़े और डी ऑप्शन है पसलियाँ। तो क्षय रोग से सबसे अधिक कौन से अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज्वर की स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से भी अधिक बढ़ जाती है। ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 60% और डी ऑप्शन है 70%। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर है। ठीक है, ज्वर की स्थिति में जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो 50% बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लाइकोजन भंडार की पुनः आपूर्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है कार्बोज। तो ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु जो पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए वो कौन सा है, कार्बोज लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस रूप में विटामिन ए का चयापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन है रौतौंधी रूप में, बी ऑप्शन है बेरी बेरी में, सी ऑप्शन है स्कर्वी में और डी ऑप्शन है क्षय रोग में। तो किस रूप में विटामिन ए का चयापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है, क्वेश्चन नंबर 33 का डी राइट है, क्षय रोग में ये प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ज्वर समय की अवधि की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन है 2 प्रकार, बी ऑप्शन है 3 प्रकार, सी ऑप्शन है 4 प्रकार और डी ऑप्शन है 5 प्रकार। तो ज्वर समय की अवधि की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोतीझरा रोग किस अंग से संबंधित है। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है छोटी आंत से, सी ऑप्शन है हृदय से और डी ऑप्शन है आंखों से। तो मोतीझरा रोग किस अंग से प्रभावित है, छोटी आंत से है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा रोग अल्पकालिक है परंतु ज्वर बहुत तीव्र होता है। ए ऑप्शन है निमोनिया, बी ऑप्शन है टाइफाइड, सी ऑप्शन है मलेरिया और डी ऑप्शन है खसरा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए राइट आंसर है, जो निमोनिया होता है ये अल्पकालिक है परंतु ज्वर इसमें तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस रोग में संतुलित और पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है निमोनिया, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है खसरा और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर है, मलेरिया में। किस रोग में संतुलित और पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है, वैसे तो सभी रोगों में संतुलित भोजन और पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम प्रमुखता के आधार पर देखें तो मलेरिया रोग में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस रोग से ग्रसित रोगी का आहार रोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर ए है खसरा, बी है चेचक, सी ऑप्शन है मलेरिया और डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो किस रोग से ग्रसित रोगी का आहार रोग की तीव्रता पर निर्भर करता है, क्वेश्चन नंबर 38 का बी राइट आंसर है, चेचक रोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस रोग में प्रारंभ में केवल दूध और फलों के रस दिए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है खसरा, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा और डी ऑप्शन है चेचक। तो किस रोग में केवल दूध और फलों के रस दिए जा सकते हैं प्रारंभ में, कौन सा रोग है, क्वेश्चन नंबर 39 का ए राइट आंसर है, खसरा रोग में। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता रोगी के न्यूनतम
उपापचयन की दर के बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है विटामिन और डी ऑप्शन है कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर है, विटामिन। ठीक है, किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता रोगी के न्यूनतम पाचन दर बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर है, विटामिन। तो हमने ये 40 क्वेश्चन आहार एवं पोषण विज्ञान के देख लिए हैं, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।